In the previous video, I have explained you the initial part of the chapter. As I have told you, this is a difficult chapter. You have to read it twice, thrice, as much times as you can, so that you can just know the meaning of each and every word in the context. Okay, so I'm going to continue the explanation further. We'll start from where we have left this topic. Paragraph number 2, let's read. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So comrades का मतलब क्या होता है, जो colleague होते हैं किसी organization को, कोई अगर चलाता है तो एक तो head होता है और जो दूसरे लोग होते हैं वो उसके comrades होते हैं, उसके colleague होते हैं, जो उसके fellow members होते हैं. Okay, so resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. कोई तो जो लाइन में यूज़ किया गया, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. डिफाइज मतलब होता है रिफ्यूज़ टू ओबे. कोई ऐसी स्ट्रगल, ऐसा कि हम जितने भी हार्डशिप हैं उनसे रेजिलेंस मिला हमें, उनसे हम रिकवर हुए, और जितने भी और जो चीज़ें थी उसको हमने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया ओबे करने के लिए. जो चीज़ें गलत थी उसको हमने रिफ्यूज़ कर दिया. ओके, ट्रिम्फ मतलब विक्ट्री होता है, ठीक है, जीत. सो इन दिस पैराग्राफ, नेल्सन मंडेला गेन्ड हिज स्ट्रेंथ एंड टू स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग फ्रॉम ऑल द ग्रेट नेशनलिस्ट ही मेंशन्ड अबव. सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला पास्ट के बारे में सोच रहा है और उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो बहुत करेजस थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी सिर्फ इसको फ्री करने के लिए, इस कंट्री को. तो उधर से ही इज़ गेनिंग स्ट्रेंथ टू स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग. जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसके अगेंस्ट स्टैंड करने के लिए उसको वहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है, उन लोगों से स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, वो उन ग्रेट नेशनलिस्ट से. ओके, ही हु हैव इवन रिस्क देयर लाइफ फॉर फ्रीडम एंड टॉलरेटेड इल ट्रीटमेंट. उन्होंने टॉलरेट भी किया है, गलत व्यवहार उन्होंने सहा भी है, बट कभी भी they never stopped fighting, they defied to obey. उन्होंने गलत चीज़ को हमेशा रिफ्यूज़ कर दिया ओबे करने के लिए, मानने के लिए. ओके, ही लर्न दैट करेज डिडंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये, उन्होंने क्या सीखा है उन सबसे, कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर फियर नहीं है, हमारे अंदर डर नहीं है, बट द एबिलिटी टू ओवरकम फियर. पर एक ऐसी ऐसा कैरेक्टर हमारे अंदर, एक ऐसा फीचर कि हम उस फियर जो हमारे अंदर है उसको हम ओवरकम कर पाएँ. द मैन हु ओवरकम्स हिज फियर इज कॉल्ड ब्रेव. जो अपने फियर्स को हरा देता है उसको, उसी इंसान को ब्रेव बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव becomes more natural to a person's heart, but it's than its opposite. Even in the grimmest time, grimmest मतलब बहुत serious time, बहुत ही बुरा time. In prison, when my comrades मतलब Nelson Mandela के fellow people, and I were pushed to our limits, I could see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps, must for a second. Just for a second, but it was enough to reassure me, to keep me going. Man's goodness is a flame. Flame मतलब आग. आग की जो वो नहीं होता, जो एक flame होती है, जब candle जलाते तो एक flame आती है, उसी को आग को. But can be hidden, but never extinguished. मतलब कभी भी बुझा नहीं सकते उस आग को, ठीक है. So
पुश टू आर लिमिट्स फ्रेज है, इसका मतलब होता है पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आर एबिलिटी टू बेयर पेन। हमें लास्ट पॉइंट तक, जो हमारी एबिलिटी है सहन शक्ति की, उस लास्ट पॉइंट तक हमें इल ट्रीट किया गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो दिस पैराग्राफ मीन्स वन इन इज टॉट बाय इट्स सोसाइटी टू हेट पीपल बिकॉज ऑफ देयर स्किन। सो नो वन, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको इस सोसाइटी में सिखाया जाता हो कि किसी ह्यूमन को हेट करो बिकॉज ऑफ द स्किन कलर, एज, जेंडर या फिर कोई रिलीजन। नो वन इज बॉर्न विद हेट्रेड, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में, जो नफरत के साथ पैदा होता है। द ऑथर्स आइडिया इज दैट इफ पीपल कैन बी टॉट हेट्रेड देन दे कैन ऑल्सो बी टॉट लव एंड ब्रदरहुड। उनका जो आइडिया, उनका मतलब है ये सब चीज़ें कहने का, वो ये है कि अगर किसी इंसान को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, भाईचारा भी सिखाया जा सकता है। इन देयर मोस्ट टेस्टिंग टाइम्स इन प्रिजन, जब उनका मोस्ट टेस्टिंग टाइम मतलब जहाँ उनको लास्ट तक, जिनकी उनकी एबिलिटी है जितनी पेन सहने की, उधर तक उनको परेशान करा गया और उनको प्रिजन में रखा गया, जब वो जेल हो गई थी उन्हें, व्हेन दे वर बीइंग ट्रीटेड ब्रूटली, मंडेला वुड सी अ पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स एंड दैट वॉज इनफ टू कीप हिम गोइंग। तो जब वो प्रिजन में थे तब वो याद कर रहे अपना पास्ट टाइम, कि जब वो प्रिजन में थे तब एक जो उनका गार्ड था जो प्रिजन के बाहर खड़ा रहता था, उनमें उन्होंने थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ह्यूमैनिटी और काइंडनेस देखी थी। और वही बस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है किसी इंसान को आगे चलने में, आगे बढ़ने में। ही बिलीव्स दैट गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी सप्रेस्ड बट नेवर एलिमिनेटेड। उनका ये बिलीफ है नेल्सन मंडेला की, कि एक जो अच्छाई है किसी इंसान में वो दबाई जा सकती है पर कभी भी ख़त्म नहीं करी जा सकती है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज टू हिज पेरेंट्स। ऑब्लिगेशन मतलब एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द फैमिली, टूवर्ड्स द पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Isolated मतलब उसको बिल्कुल अकेला कर दिया जाना। Okay. And isolated in South Africa, a man who tries to fulfill his duty to his people was inevitably matlab unavoid kare bina ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence. Twilight matlab half light and half darkness of secrecy. Secrecy matlab kya hota hai? An action of keeping something secret, kuch secret rakhna. And rebellion का मतलब होता है action of और process of resisting authority, convention or control, मतलब किसी कोई गलत चीज़ के against बोलना, rebel करना, लड़ना, fight करना। It did not in the beginning choose to place my people above my life, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. So this paragraph means, so this is a autobiography. So Nelson Mandela apne aap se hi bol rahe hain sab cheeze, he is remembering things of the past. Okay, so according to the author here, according to Nelson Mandela, every human being has its responsibility. हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के, अपनी एक सोसाइटी के। Generally, under normal circumstances, a person can maintain the balance between the two
बट इन कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका इट इज़ नेवर सो ईजी. बट जनरली आजकल की लाइफ में अगर देखा जाए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो एक इंसान मेंटेन कर सकता है, बैलेंस बना सकता है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड फैमिली. बट कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में ये ईजी नहीं है. व्हेन अ पर्सन ऑफ कलर would come up for his society, he would be arrested and taken away from his family, thus keeping them from fulfilling both responsibilities. So agar koi aisa insaan agar rebel kar de wahan par, koi agar against bol de jo black in color hai, usko arrest kar liya jata tha aur usko akele mein rakha jata tha aur apni family se sab se bichhad jata tha wo aur wo resist karta tha. वो चीज़ें अब वो कभी कर ही नहीं सकता, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी और फैमिली कभी वो फुलफ़िल ही नहीं कर पाता था. सो इन द बिगनिंग मंडेला डिड नॉट पुट हिज पीपल ओवर हिज फैमिली, बट इट वॉज ओनली लेटर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू बी देयर फॉर हिज पीपल ही वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग हिज ड्यूटीज टुवर्ड हिज ओन फैमिली. तो पहले तो वो कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर किसी को नहीं रखता था, बट जब उसने रियलाइज़ किया बाद में उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जो वो है अपने पीपल को, अपनी सोसाइटी को पहले रख रहा है और सारी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स अपनी फैमिली की एज अ सन एज अ हस्बैंड, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है. ओके द नेक्स्ट पैराग्राफ लेट्स रीड. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, I was born free, free in every way that I could know, free to run in this field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father, I abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion मतलब होता है कोई फॉल्स आइडिया जो आपको लगे कि है ऐसा बट रियलिटी में नहीं होता. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I want freedom for myself, the transitory freedom. Transitory matlab temporary freedom. For being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned. Yearn matlab bheek mangna. Main bheek mangta tha us feeling ki. Okay. I yearned matlab have a intense feeling or longing for that, for something, for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of yearning, earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So what he's saying, the author did not have the plans to stand against the apartheid system. उसके पास कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा अपनी लाइफ में. He lived his childhood like a normal child in South Africa. जो उसने childhood जिया वो बिल्कुल normal था. He only had to follow the rules set up by his parents. जो अभी होता है जो उसके parents थे या फिर जो custom थे उसके tribe के, बस उसी को फॉलो करने होते थे उसके रूल्स, और कुछ नहीं होते थे. एज सून एज ही ग्रू अप एंड बिगैन टू लर्न द फैक्ट्स, जैसे जैसे वो बड़ा होते गए और उनको पता चलता गया कि फैक्ट्स क्या है, कैसे यहाँ पर लोग अपने कलर की वजह से ट्रीट होते हैं, ही डिसाइडेड टू स्टैंड अगेंस्ट इट. देन ही डिसाइडेड कि वो उसके अगेंस्ट खड़ा होंगे. ही हैड हिज दिस अर्ज फॉर फ्रीडम फ्रॉम इनसाइड early just for himself. पहले तो early stage में उन्हें सिर्फ freedom चाहिए थी अपने लिए,
कि वो बाहर जा सकें, घूमने फिरने जहाँ चाहते हो वहाँ जाएं, जो पढ़ना चाहते हो, जो रीड करना चाहते हो बुक्स वो रीड करें, बट लेटर फॉर हैविंग बेसिक लाइफ नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ, बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए पर उन्हें हर इंसान के लिए चाहिए। इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जगह का नाम है, दे हैड टू स्ट्रगल फॉर हैविंग अ पीसफुल मैरिज। इस जगह पर जोहान्सबर्ग में उन्हें इवन अपनी शांतिपूर्वक शादी के लिए, एक फैमिली के लिए, एक बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी। हर चीज़ के लिए एक लॉ होता था और वो बिल्कुल अलग होता था वाइट्स के लिए और ब्लैक्स के लिए बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। दैट इज वेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल पार्टी एंड देन इज वेन माई हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इट was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. Monk कौन होते हैं? जो religious community के priest होते हैं ना, पंडित अंडित, उनको monk बोलते हैं। जो साधु वाधु होते हैं basically उनको monk बोलते हैं, sorry, पंडित को नहीं बोलते, पंडित को priest बोलते हैं और monk वो होते हैं जो साधु होते हैं, जो अपनी सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी शादी सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ भगवान की उसमें लीन हो जाते हैं, उनको हम मॉन्क बोलते हैं। ओके, लेट्स रीड फर्दर। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस मतलब हैविंग और शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड। वर्चुअस वो लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत हाई मॉरल्स होते हैं, बहुत अच्छी हैबिट्स होती हैं, बहुत अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, or more self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. People, freedom is indivisible. Indivisible मतलब जो चीज़ divide नहीं हो सकती, कभी separate नहीं हो सकती, unable to be divided or separated. The chains on anyone's of my people were the chains of all on them. The chains of all of my people were the chains on me. So this paragraph means that Nelson Mandela joined the African National Congress when he realized that it is not only him whose basic rights were snatched, but all those who looked like him. सो उसको जब उन्हें जब रियलाइज़ हुआ, जब बड़े होकर थोड़ा सा, कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रही हैं, कि उनकी सारी जो राइट्स हैं सब छीने जा रहे हैं, बट सबके साथ जो उनके जैसे दिखते हैं, सबके साथ जो ब्लैक हैं, तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी ANC पार्टी ज्वाइन करी और तब उनके अंदर आया कि ही हैड दिस फायर इनसाइड हिम टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम दिस इनजस्टिस, and it was that fire that changed the author completely as a man. और वही आग जो उनके अंदर थी, उन्होंने पूरे as a man उनको पूरा change कर दिया, एक डरा हुआ इन मैन से उनको एक ब्रेव मैन बना दिया, a lawyer to the one breaking the law, एक ऐसा lawyer, he was a lawyer, तो वो एक ऐसे lawyer बन गए थे जो खुद ही laws break करते थे, a family man to a man without a home and a lively man to being a monk, ek family man jo sirf apne family ke liye sochta tha to a man jo bilkul akela tha jiske paas ghar bhi nahi tha rehne ke liye, ek aisa man jo bahut hi khush rehta tha, lively person tha, wo ek monk ban gaya tha, sab cheez chhod di thi usne, ek bas ek hi promise kiya tha apni
कंट्री को फ्री कराने के लिए. इट वॉज द नॉलेज दैट ही एंड हिज पीपल हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दैट मेड हिम इन टू अ सेल्फलेस मैन एज अपोज टू बिफोर. अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम कैन नॉट बी डिवाइडेड. उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है ये ऐसी चीज़ है जो कभी भी डिवाइड या फिर सेपरेट नहीं हो सकती किसी इंसान से. स्नैचिंग इट अवे फ्रॉम एनी वन वॉज इक्विवेलेंट टू टेकिंग इट अवे फ्रॉम एवरी वन. किसी एक से लेना अगर आप उसको स्नैच कर रहे हो, किसी से छीन रहे हो किसी से, ये इक्विवेलेंट है, उतना ही बराबर है सबसे छीनना. एंड दैट मेंट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द ऑथर. और ये इसका मतलब ये भी है कि वो चीज़, वो फ्रीडम ऑथर से, नेल्सन मंडेला से भी ले ली गई थी. ओके, सो नेक्स्ट, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as he oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed in the humanity. Prejudice मतलब क्या होता है? A strong dislike without any good reason. कोई good reason, कुछ कोई reason नहीं है, फिर भी hatred है उसके लिए. Okay? So this paragraph means he mentions that the needs to free the oppressor is as high as that of the oppressed because the oppressor is bounded by the shackles of hatred. So उसका मतलब ये है कि जितना important जो लोग oppress हो रहे हैं उनके लिए ये freedom है, उतनी ही important ये freedom उनके लिए भी है जो oppress कर रहे हैं हमें, क्योंकि वो जो hatred, नफ़रत की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, तो उनके लिए भी important है ये freedom. This is such a good line. He has the weight of all the people who has been tormented. अब उसके ऊपर, उसके कंधों पर सबकी जिम्मेदारी है, जो जिन लोगों को, जो लोग सफ़र कर चुके हैं, जो इनके साथ ill treatment हुआ है, उन सबको right दिलाना ये उसकी जिम्मेदारी है. For he carries the curses of all their families. And he carries the curses मतलब बद्दुआएँ सारी families की. वो इंसान जो है जो हमें oppress कर रहा है, वो सारी फैमिली, सारे लोगों का कर्स, जो कर्स मतलब जो बद्दुआएँ हैं, वो लेके चलता है. इसलिए उस ऑप्रेसर को जो हमें ऑप्रेस कर रहा है उसके लिए भी फ्रीडम उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए, जिसको ऑप्रेस कर रहा है वो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉर टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम एंड मेकिंग देम अ प्रिजनर He becomes a prisoner of biasness. तो जो इंसान जो हमें, हम पर रूल कर रहा है, जो हमें ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान को भी फ्रीडम की बहुत ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि वो किसी और को प्रिजनर बना रहा है, वो किसी और को जेल में डाल रहा है विदाउट एनी रीज़न. तो वो क्या बन रहा है? वो प्रिजनर बन रहा है ऑफ बायसनेस. बायसनेस मतलब भेदभाव. वो भेदभाव कर रहा है किसी इंसान के लिए. उसको सबकी बददुआएँ लगेंगी, सबकी कर्स लगेगा उसे. दस ही इज़ robbed of his humanity and need to be freed. So वो ऐसा इंसान, the whites, he's talking about the whites जो उन्हें oppress कर रहे हैं, उनके लिए भी freedom बहुत important है, क्योंकि उन्होंने अपनी humanity चुराई है, अपने आप से चुराई है, इसलिए उनका free होना भी बहुत important है, according to Nelson Mandela. So with this we come to the end of this, the explanation. It is such a difficult chapter as you have seen, so I want you to read this chapter. If you have any doubt, you can ask again and again. I'm just giving you this permission to ask the doubts again and again. Okay, so just read this chapter, go through the explanation, just learn the word meanings and difficult words of the chapter. Okay, thank you.